ईडी की टीम ने मनरेगा घोटाला, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की करीब 83 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अटैच कर लिया है। ईडी की टीम ने रांची स्थित पल्स हॉस्पिटल समेत अन्य कई अचल संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी की ओर से ये जानकारी दी गई है कि निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जब्त अचल संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 82 करोड़ 77 लाख रुपए है। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक डायग्नोस्टिक सेंटर और रांची में 2 भूखंड शामिल हैं। आपको बता दें 18 करोड़ 6 लाख रुपए का मनरेगा घोटाला उस अवधि से हुआ जब पूजा सिंघल खूंटी जिले में उपायुक्त थी। वो विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने वाली प्रमुख अधिकारी थी। ईडी ने बीते 5 मई को पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी की और इस दौरान ईडी ने भारी मात्रा में नकद बरामद किया। ईडी ने बाद में पूजा सिंघल से पूछताछ की और सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूजा के पति अभिषेक कुमार झा और उनके कई सहयोगियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।